एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराने लगी हूं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को करना स्टार्ट करते हैं। फाइन स्टूडेंट, इस तरह से ए पार्ट है 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट 2 3/4 सेकंड 4 2/9। इट मींस स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जिस तरह से 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट दिस सेकंड पार्ट दिस, इट मींस 1/2 को हमने पहले फर्स्ट पार्ट इससे मल्टीप्लाई करना है एंड 1/2 को हमने सेकंड पार्ट इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, तो करना स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। जैसे 1/2 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, जिस तरह से आपको पता है 2 3/4, राइट। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये मिक्स फ्रैक्शन है, राइट। सो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? सो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, 4 2 4 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड जो आंसर आएगा उसको 3 से मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। सो 4 2 8 8 and 3 9 10 and 11 डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिस तरह से 11 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 11 1 11 एंड 2 4 8, राइट। सो 11 and 8, सो 8 को मैं 11 को मैं 8 से डिवाइड कर लेती हूँ। 8 1 8 एंड 11 में से हमने 8 को माइनस कर, सो आंसर इज 3। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो जिस तरह से आपको पता है, जो हमारा क्वेशेंट होता है वो हमारा साइड में आ जाता है और रिमाइंडर हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर हमारा 8 रहता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से करेंगे। जिस तरह से सेम 1/2 को अब हम सेकेंड पार्ट से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 2/9, राइट। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, 9 4 36, 36 and 2 37 38 डिवाइडेड बाय 9, राइट। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 38 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 31 38, नहीं तो आप इसको पहले इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जिस तरह से 2 and 38 ये कट हो सकता है, बिकॉज ये भी इवन है और 2 भी हमारा इवन है। सो 38 से 2 को मैं 38 से डिवाइड कर लूंगी, 2 1 2 1 8 2 9 18, राइट। सो 2 1 2 and 19, सो 19 1 19 डिवाइडेड बाय 9 1 9, सो अगेन 19 को 9 से मैं डिवाइड कर लूंगी, 9 2 18 and 1। सो जिस तरह से क्वेश्चन हमारा साइड में आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और डिविडेंड हमारा सेम 9 रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इसके बी पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। सिमिलर स्टूडेंट्स का बी पार्ट भी इसी तरह से करेंगे। सो पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 5/8 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 5/6, राइट। सो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 6 3 18 होता है, 18 को मैं 5 से प्लस कर दूंगी, सो आंसर इज 23 डिवाइडेड बाय 6। सो 23 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 3 15, 5 2 10 and 1 11, और 8 6 48, राइट। सो 48 को मैं 115 से डिवाइड कर लेती हूँ, 48 को अगर मैं 2 से करती, 2 8 16, 2 4 8 and 1 9, 96 2 96, सो 15 में से 6 माइनस करा, आंसर इज 9, राइट। सो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, 10 10 में से 9 गया 1, 19 इसका रिमाइंडर आया है, राइट। सो क्वेश्चन हमारा 2 होगा, जो रिमाइंडर है वो हमारा 19 ऊपर आ जाएगा और 48 हमारा नीचे आ जाएगा, जो कि हमारा डिविडेंड है, राइट। सो सिमिलर सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से करेंगे। सो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 9 2/3, राइट। सो
फाइव बाय एट मल्टीप्लाई बाय थ्री नाइन जर 27, 27 एंड टू 28, 29 डिवाइडेड बाय थ्री। सो 29 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दी थी, 5 9 जर 45, 5 2 जर 10, 10 एंड 4 14, 145, राइट। सो 8 3 जर 24, राइट। सो 145 को 24 से डिवाइड कर लेते हैं, सो 24, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 एंड 2 14, 144, सो 24, 6 जा 144, 5 में से 4 गया 1, राइट। सो इसका जो क्वेश्चन है साइड में आ जाएगा, रिमाइंडर 1 ऊपर आ जाएगा और डिविडेंड हमारा नीचे रहेगा 24। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सलूशन समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सलूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।